ग्रेटर नोएडा में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठ रहे हैं। जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सरकारी एम्बुलेंस से एक बुजुर्ग शख्स को सड़क पर फेंक दिया गया। इतनी बड़ी संवेदनहीनता कैसे अपनाई जा सकती है कि किसी बीमार शख्स को सड़क पर फेंक करके तड़पता हुआ एम्बुलेंस छोड़ करके उसे चले जाए। सूचना मिलने पर दादरी पुलिस मौके पर पहुंचती है। बुजुर्ग को राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में फिर से रेफर किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल में बुजुर्ग को भर्ती कराया। तो ये असंवेदनहीनता की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि जो शख्स जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा है, शख्स को एक एम्बुलेंस ने जमीन पर फेंक दिया था और वहां से चले गए थे। मौके पर पुलिस पहुंचती है, स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंचती हैं और उसे अस्पताल में दोबारा से भर्ती कराया जाता है। बीमार शख्स था, जिस बीमार शख्स को एम्बुलेंस से उतार करके नीचे जमीन पर तड़पता हुआ छोड़ देने के बाद में पुलिस वहां से आगे बढ़ जाती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत भी दर्ज कर ली गई है। सबसे पहले ये तस्वीरें जो कि आप देख रहे हैं, और सबसे पहले इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, वो यही कि R9 TV ऐसे तमाम लोगों की आवाज बनता है जिनकी आवाजें दब जाती हैं। इसीलिए हमने अपने सहयोगी अकरम खान को भी मौके वारदात पर उस जगह पर भेजा जहां पर यह घटना घटी। अकरम खान हमारे साथ में उसी जगह से जुड़ रहे हैं। अकरम, एक बार पूरी घटनाक्रम को बताएं दर्शकों को, क्योंकि इस वक्त सरकार में बैठे हुए लोग, स्वास्थ्य विभाग में बैठे हुए लोग, पुलिस के आला अधिकारी इन तस्वीरों को देख रहे हैं। इतनी असंवेदनहीनता हुई कैसे अकरम? देखिए बिल्कुल, इस बार मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं जो कि एक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को बिल्कुल शोभा नहीं देती है। दादरी थाना इलाके का मामला है जहां पर एक जो पेशेंट था जिसे 20 अप्रैल को राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिम्स हॉस्पिटल, जो की कोविड-19 का आइसोलेशन सेंटर भी बनाया गया, वहां उसको भर्ती कराया गया था। लेकिन उसकी रिपोर्ट 30 अप्रैल को यानी कि आज नेगेटिव आई थी, और दो बार उसकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी जिसको बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था। इस पेशेंट को उसके घर तक पहुंचाना था, लेकिन देखिए सबसे बड़ी संवेदनहीनता यही कही जा सकती है कि जिस सरकारी एम्बुलेंस में उसे घर तक छोड़ना था वो सिर्फ उसे रास्ते में ही छोड़कर, दार्दी में सड़क पर छोड़कर चले गए। मरीज बेहद तड़पता था सड़कों पर, तस्वीरें क्या अब तक जाहिर तौर पर सारे रिकॉर्ड होंगे कि आखिर कौन से कर्मचारी उस एम्बुलेंस में थे, कौन से नंबर की एम्बुलेंस थी? अब तक उन लोगों के खिलाफ में किसी कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ? उन लोगों को डिटेन किया गया पूछताछ के लिए? लेकिन जब जिस तरह से खबर सामने आई थी उसके बाद सबसे पहले पुलिस ने पहुंच के उन्हें भर्ती कराया था, लेकिन अभी थोड़ी ही देर पहले DM गौतम बुद्ध नगर की तरफ से आधिकारिक बयान आया है। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि जिन लोगों ने इस पेशेंट को लेकर गए थे उनकी जांच के आदेश दे दिए हैं। गौतम बुद्ध नगर के ADM LA बलराम सिंह इसकी जांच करेंगे, और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे पूरी रिकॉर्ड खंगाला जाएगा कि कहां से लेकर कहां तक जाना था, किन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। तो गौतम बुद्ध नगर DM ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि बेहद सख्त कार्रवाई होगी जिसने भी हरकत की है। सख्त कार्रवाई का हम इंतजार तो कर ही रहे हैं अकरम, मगर जिस जगह से इस बुजुर्ग शख्स को उसके घर ले जाया जा रहा था, क्या वहां से किसी तरह की कोई सफाई दी गई या एम्बुलेंस के विभाग की तरफ से कोई सफाई दी गई? देखिए जिस तरह से अभी ये खबर सामने आई है उसके बाद स्वास्थ्य विभाग से भी हमने लगातार बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, ना ही फोन उठा रहे हैं। इसके अलावा जब DM गौतम बुद्ध नगर से मामले को संज्ञान में लाया गया उसके बाद उन्होंने ये आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी करी है। इसके बाद जो CHC दादरी थी, जो स्वास्थ्य कर्मी जहां दादरी तैनात थे उनको मौके पर बुलाया गया था, जिसके बाद इस मरीज को दोबारा से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बहरहाल पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद कोई FIR दर्ज की गई? अकरम, कोई FIR अब तक दर्ज की गई? नहीं, देखिए अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है इसमें सिर्फ DM ने अभी आदेश दिए हैं कि पूरी विभागीय जांच होगी। और चूंकि ये सरकारी एम्बुलेंस थी, जिम्स हॉस्पिटल जो आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है कोविड-19 से लड़ने के लिए, वहां की ये एम्बुलेंस थी, तो सरकारी ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी इस पर कार्रवाई होगी। पहले जांच होगी DM गौतम बुद्ध नगर से ना, उसके बाद तक कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य कर्मी लापरवाह थे इसके लिए, जो जिम्स हॉस्पिटल में लोग जिम्मेदार है, उन सब तक कार्रवाई की तलवार अब लटकी हुई है। जी अकरम, हमारे साथ आप बने रहिए, मैं आपकी तरफ रुख करता हूँ, लेकिन इस बीच में दर्शकों को अपडेट कर दूं कि R9 TV के संवाददाता अकरम खान उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर यह सारी घटना हुई है। पुलिस विभाग से लेकर के अस्पताल के कर्मचारियों
या अस्पताल के मैनेजमेंट से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, जिम्मेदार लोगों से, जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत R9 टीवी उन तमाम माध्यमों से करने की कोशिश कर रहा, लेकिन कोई भी शख्स सरकार की तरफ से या फिर अभी तक इस एम्बुलेंस विभाग की तरफ से या अस्पताल की तरफ से सामने आकर के कुछ बोलने को तैयार नहीं। जैसे कि हमारे सहयोगी अकरम खान ने वहां के जिला अधिकारी से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया। और इस वक्त जो जवाब R9 टीवी को दिया जा रहा है, जो जानकारी आ पा रही है कि जिम्मेदार विभाग के दफ्तरों में अभी तक कोई शख्स मौजूद नहीं है, वहां पर कोई रिप्लाई करने वाला नहीं है, इन तमाम चीजों के पीछे गलती किसकी रही, लापरवाही किसकी रही, लेकिन जो पूरी घटनाक्रम है इसमें गलती और लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं रहा है, बल्कि जानबूझ करके, सोच समझ करके ये अपराध किया गया है। जी हां, मैं यहां पर अपराध शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं और शायद इसे जघन्य अपराध कहा जाना चाहिए, क्योंकि एक वो शख्स जिसकी उम्र 60 साल के ऊपर के करीब दिख रही है और जिस हालत में यह शख्स, ये बुजुर्ग शख्स जमीन पर पड़ा हुआ है, मगर इस बीच में अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी नहीं आ रही। लेकिन ग्रेटर नोएडा से कर्मचारियों के बाद में अधिकारियों का रवैया भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से, जिस तरीके से सामने आया, शर्मसार करने वाली यह घटना। जवाब देने से अधिकारी इस वक्त भाग रहे हैं, कर्मचारियों के बाद में अधिकारियों का रवैया जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना रहा है, जाहिर तौर पर ऐसे में R9 टीवी यह सवाल उठा रहा है। और तब तक जब तक के ऐसे लोगों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई नहीं हो जाती, और कार्रवाई भी इस अंदाज में होनी चाहिए कि एक नजीर कायम होना चाहिए, एक ऐसी कार्रवाई, एक ऐसी सजा का प्रावधान होने चाहिए ऐसे केसेस में, क्योंकि मौजूदा वक्त में वैश्विक महामारी के बीच में जहां पर कोरोना योद्धा की श्रेणी में ये सारे के सारे लोग आते हैं, और जैसे कि इन योद्धाओं से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से करेंगे, मगर उन्होंने जिस लापरवाही का सबूत दिया है, जिसका क्रिमिनल ऑफेंस करने का सबूत दिया है, जिस आपराधिक का कृत्य का सबूत दिया है, जाहिर तौर पर ऐसे में इन तमाम लोगों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और R9 टीवी आपसे, खासतौर पर इस बुजुर्ग शख्स से, इस बात का ये वादा दिलाता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई होगी।